जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कराने की मांग को लेकर गोहाना के गांव कथूरा के किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार का पुतला फूंका और पूरे देश में वन कपल टू चिल्ड्रन कानून हो लागू करने की मांग की। किसानों ने कहा कि आज जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लागू होने से 12,000 करोड़ से भी ज्यादा युवा रोजगार के लिए सड़कों पर भटक रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा कि बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने से पहले किसानों व देश के लिए बड़े बड़े वायदे किए थे, लेकिन आज सरकार अपने वायदों से मुकर रही है। किसानों ने कहा कि सरकार हम दो हमारे दो का कानून पास करे, नहीं तो आने वाले समय में किसान इस आंदोलन को पूरे देश में चलाने पर मजबूर होंगे। आज हम दो हमारे दो का कानून लागू नहीं होने से देश में लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिसके चलते देश में बेरोजगारी भूखमरी बढ़ती जा रही है, जिसके चलते आज किसानों ने केंद्र सरकार का पुतला फूंककर वन कपल टू चिल्ड्रन कानून करने की मांग की है। गौरतलब है कि जनसंख्या वृद्धि का बेरोजगारी से सीधा संबंध है। भारत में बेहताशा जनसंख्या वृद्धि होने से बेरोजगारी के परिणाम आज भी सभी के सामने हैं। देश में आज कुल आबादी 11% यानी 12 करोड़ लोग बेरोजगारी का दंश झेलने को मजबूर हैं। इनमें पढ़े लिखे युवाओं की तादाद सबसे अधिक है। बेरोजगारों में 25% 20 से 24 आयु वर्ग के हैं, जबकि आंकड़ों के अनुसार 25 से 29 वर्ष की उम्र वाले युवकों की तादाद 17% है। इतनी बड़ी आबादी को रोजगार न मिलने से देश में भूखमरी भी बढ़ रही है और देश की करीब 26% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने को मजबूर है। हमारे देश में जो जनसंख्या बढ़ रही है वो सरकार का कारण है सारा। मोदी सरकार कानून अलग से कर रही है हिंदुओं के लिए, मुसलमान जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, हिंदू दो ही आदमी पैदा करता है। पूरे देश में हमारे कानून एक समान होना चाहिए, हम दो हमारे दो का नारा हमारा। आज जो पुतला फूंका गया है वो केंद्र सरकार के खिलाफ रोष है। केंद्र सरकार ने चुनाव के समय कि जनता को विश्वास दिलाया था कि बीजेपी सरकार मोदी जी बड़े देशभक्त हैं, हम किसानों के लिए ये करेंगे, हम जनता के लिए ये करेंगे, लेकिन आज ये अपनी बातों से मुकर गए हैं। आज पूरे देश की जनता चाहती है कि हम दो हमारे दो कानून बने, सभी के लिए एक समान, सभी जाति सभी धर्मों के लिए कानून बने, लेकिन अनेक बार हम देश के कोने कोने से ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन मोदी जी ने अभी हमारी कोई सुनवाई नहीं की है। अब ये देश भक्त होने के बजाय ये पार्टी का भक्त बन चुका है, इस जनता को वोट का हथियार बना लिया है, जिससे आज जिस तरह चीन में जनता नियंत्रण कानून बना और आज चीन हमारे काफी आगे निकल चुका है। हम भी चाहते हैं इस देश में बेरोजगारी और भूखमरी हटे, जनता नियंत्रण कानून बने, हम दो हमारे दो का कानून बने, और आज रोष रूप जनता ने यहाँ पुतला फूंका गया है। और अगर हमारी जल्दी ही सरकार ने बात नहीं मानी तो पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा किया जाएगा, जिसके परिणाम की जिम्मेवारी स्वयं सरकार की होगी। आज न्यूज के लिए गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।